महाराष्ट्र के जालना से उठी मराठा आरक्षण की आग राज्य के कई इलाकों में पहुंच गई है। कई शहरों में आंदोलनकारियों पर हुए लाठी चार्ज का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। जालना के इंदेवाड़ी इलाके में एक बार फिर पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। इस दौरान न केवल जमकर पथराव हुआ बल्कि पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हुई। इधर बीड़ के माजलगांव में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में पथराव किया और कई दुकानें तोड़ दी। मुंबई में भी मराठा आंदोलन से जुड़े लोग आज दादर में प्रदर्शन करेंगे। हमारा जो मुख्यमंत्री है उसका भी निषेध करते हैं। न्याय के लिए, अपने हक के लिए मराठा समाज लड़ रहे थे। मराठा आंदोलन पर सियासत भी जमकर हो रही है। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार की शाम जालना में आंदोलनकारियों से बात की और स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने घटना स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों से बातचीत की। इस दौरान संभाजी नगर में शरद पवार के काफिले पर पथराव भी हुआ। कुल मिलाकर मराठा आंदोलन पर अब आर पार की लड़ाई तय है। अब देखना होगा कि शिंदे सरकार मराठा आरक्षण पर क्या रुख अपनाती है।